So hello everyone, this is Ashok Kabar here and now I am vlogging with my Realme 3. So abhi main apna mama ke paas ja raha hu jo Khelgaon mein hai, unko ek mobile dena hai, fir usse main Sili niklunga. Jaisa ki maine aapko bataya tha ki main niklunga apne nana ke paas, to usi chalte main abhi Butri Mod ke paas hu aur abhi jaunga Tata Sili Khelgaon ke paas. तो उसको मैं मोबाइल दूंगा और घर निकलूंगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे आगे एक शानदार खूबसूरत सा रोड और ये है मिलिट्री एरिया। आप देख सकते हैं मेरे आगे जो है टैंक रखा हुआ है और टैंक और ये जो मोड़ है, ये जो रास्ता है बूटी मोड़ से खेलगांव की ओर जाएगी। तो अभी मैं अपने मामा के पास जा रहा हूँ। देख सकते हैं, ये दोबारा मैं दिखा रहा हूँ टैंक, रांची स्थित ये बूटी मोड़ के आसपास का ये टैंक। यहाँ पर आप फौजी का गार्ड भी देख सकते हैं। तो ये खूबसूरत सा रोड खेलगांव की ओर जा रही है, खेलगांव वाली चौक के पास जा रही है, उसके बाद हम खेलगांव पहुंचेंगे। अभी मैं सिल्ली के लिए बस पकड़ चुका हूं, आप देख सकते हैं मेरे को बस में। अभी दोपहर का 1:20 हो रहा है और आशा करता हूं 2:30 तक पहुंचाने का। दोस्तों अभी हम जोना, जगह का नाम है जोना फॉल, जोना मार्केट लगा हुआ आप देख सकते हैं। आज जोना बाज़ार का दिन है। अभी मैं बस में सिल्ली की ओर जो जा रहा हूँ, उस रास्ते में जोना पड़ता है, तो अभी जोना पहुँचे हैं। जोना से मेरी बस खुल चुकी है, आप देख सकते हैं। ये मेरा लेफ़्ट साइड है अभी, इस सिल्ली की ओर जब जा रहे हैं तो राइट साइड में इसका स्टेशन पड़ता है। जंगल के बीच में ये जोना जगह का नाम है। देखिए मार्केट लगता है और इस तरह का लोकल मार्केट, हाट बाज़ार जो इसे कहते हैं, इस तरह के खाना पीना और कपड़ा लत्ता जो सारी चीज़ें बिकती है। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ सिल्ली और अब मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ नाना के पास, वहाँ से स्कूटी उठाऊँगा और निकलूँगा मामा के घर। तो दिखेगा ज़रा सा उधर, वही स्टेशन है। तो अभी मैं टर्न लेफ्ट ले लिया हूँ और तुरंत पहुँचने वाला हूँ घर। दोस्तों मैं अभी सिल्ली पहुँच के सिल्ली में नाना के पास खाना खाया और अभी मैं गांव की ओर निकल रहा हूँ। तो नाना घर गांव की ओर निकल रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं नाना के पास से स्कूटी लूँगा और उसके बाद स्कूटी से मैं आगे निकलूँगा, पर स्कूटी तो नहीं लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं TVS अपाची, इलाका है जारगो का। जारगो में देखिए लोग मटन बेच रहे हैं। ये जारगो का चौक हो गया। अरे मैनेज करो यार, मैनेज करो अपने। कैमरा कैमरा तो अभी हम जारगो से अंदर जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम रोज रोड जा रही है, वो मामा का घर जा रहा है, तो यहाँ पर हम रोड में ले लिए। तो इस तरीके का पहाड़ पर्वत आपको देखने को मिलेगा मेरा मामा घर जाने के क्रम में, आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी जो रास्ता देख रहे हैं सीधे मेरे मामा के घर की ओर, और ये थोड़ा सा यहाँ पर कच्चा रास्ता पहाड़ से होते हुए, आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इस तरीके का जगह पर आप आएँगे, तो बहुत ही मज़ा आएगा। हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम कुछ देर में निकलेंगे और दोबारा इधर आएंगे और हम उसको दिखाएंगे कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उधर सगवान का वन बना कर रखा। देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, देखिए कैसे सगवान का जंगल बनाया है, इधर मेरे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। तो इस तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से हम जो है जंगल में से होते हुए पार हो करके कच्ची रास्ता से पार हो रहे हैं बाइक से, और हम नाना घर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ ही देर में हम नाना घर के पास, नाना घर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके का बंगाल में मेरा मामा का घर पड़ता है। सभी कोई बाहर नौकरी करते हैं, मगर हम होली में एक आध बार साल में आने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आप मेरे को देख रहे हैं कि कैसे हम जंगल से होते हुए मेरे चारों तरफ, देखिए जंगल ही जंगल, पहाड़ ही पहाड़, तो मेरे चारों तरफ जंगल ही जंगल और पहाड़ ही पहाड़ आपको नज़र आ रहा है। तो गाड़ी मुझे बहुत सावधानीपूर्वक चलाना है क्योंकि कच्चा रास्ता है और एक हाथ में मेरा कैमरा है, तो मुझे गाड़ी बहुत सावधानीपूर्वक चलाना है। अरे बउआ क्या जलवा।
खाली चलेगा। अरे तो दो जाओ जाओ बचो बचो बचो। चलो क्या कर रहे तुम लोग, क्या कर रहे? हाँ तो दोस्तों, अभी जो आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, ये मेरा मामा गांव में जो अभी खपरा का घर दिख रहा है, ये वाला, ये एक अलग नाना का है। और यहाँ से जो घर दिख रहा है बाउंड्री, तो ये है मेरे अपने नाना जी का घर। इसमें मेरे नाना लोग तीन भाई थे, तो अभी हम एंट्री करने वाले हैं। तो ये पहला गेट से घुसने को तैयार, तो अभी हम मेन गेट से एंट्री ले रहे हैं। और ये हुआ हमारा नाना जी का घर। अगर आप सीधे में देखेंगे तो आपको दिखेगा एक छोटा सा बिल्डिंग, ये है छोटे वाले नाना का घर। और इधर में सब मामी भाई बहन सबको देख सकते हैं। यहाँ पर कल खाने पीने का भोजन का व्यवस्था हुआ था। और ये एक नया मकान, और वहाँ पर एक छोटा सा मकान, और ये एक नया मकान। चलो यहाँ पर आगे में कुआं है, ये कुआं देख सकते हैं। तो इस कुएं से पानी का सप्लाई होता है खाने पीने नहाने के लिए। यहाँ पर एक आप बाथरूम देख सकते हैं। तो ये कुआं में अभी हम नहाएंगे, ब्रश करेंगे और नहाएंगे। तो दोस्तों, ये वाला जो खपरा का घर है, इस तरह का छज्जा गांव में इस तरीके का मिलता था। तो अभी लेटेस्ट में उधर एक बिल्डिंग है और यहाँ पर एक बिल्डिंग है। तो ये वाला छत, इस छत के ऊपर से हम अगर पूरा अपना मामा घर का प्रेमिसेस दिखाते तो इतना बड़ा, यहाँ से लेकर के वहाँ से लेकर के, इस तरीके का ये नाना गांव है। यहाँ पर लेबर लोग ये सारा काम करता है और बहुत सारा बाइक्स वगैरह है। तो यहाँ पर धान की खेती होती है, देख रहे हैं पुआल वहाँ पर रखा हुआ है। तो जो भी कार्यक्रम होता है, इस बीच फंक्शन यहाँ पर होता है। और ये पुराना वाला घर, तो पहले ज़माने में इस तरीके का गांव में इस तरीके का घर हुआ करता था। आगे आप देख रहे हैं एक मंदिर दिख रहा है मेरा उंगली के सीधे, वहाँ देखिए। तो उसी मंदिर में अभी भजन कीर्तन हो रहा है। और अभी सब, अभी हम और मेरा भाई, मामा का छोटा मामा का लड़का, हम लोग अभी सोने के क्रम में। तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ पर अभी मंदिर में गए थे कीर्तन देखने के लिए, भजन कीर्तन देखने के लिए। तो यहाँ पर बंगाल में है, और बंगाली कल्चर में किस तरीके से भजन कीर्तन हो रहा है, किया जाता है, वो मंदिर में हम उसको आपको दिखाएंगे। और अभी हम सोएंगे क्योंकि हमें सुबह उठना है और फिर मंदिर में जाना है और होली खेलना है।